कुछ लोगों के लिए स्वच्छता से बढ़कर चंद रुपए हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं सन्यारी गांव के कुछ लोग। ये गांव शहर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। शहर के साथ सटा होने के कारण नगर परिषद मंडी ने यहां पर भी डोर टू डोर गार्बेज कनेक्शन स्कीम चला रखी है। गांव के अधिकतर परिवार इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रुपए अदा करते हैं। इन परिवारों के घर से नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा खुद उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपने घर से निकलने वाला कूड़ा सड़क के किनारे खुले में फेंक रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्वच्छता से बढ़कर चंद रुपए हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं बन पाते। कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं सन्यारी गांव के कुछ लोग। यहां गांव शहर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। शहर के साथ सटा होने के कारण नगर परिषद मंडी ने यहाँ पर भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्कीम चला रखी है। गांव के अधिकतर परिवार इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रुपए अदा करते हैं। इन परिवारों के घर से नगर परिषद के कर्मचारी खुद कूड़ा उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपने घर से निकालने वाले कूड़ा सड़क किनारे खुले में फेंक रहे हैं। कूड़ा गांव के मुहाने पर सुनसान सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यहां एक देवस्थल भी है, लोग उसकी भी परवाह किए बिना यहां खुले में कूड़ा फेंकने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्थानीय निवासी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि कुछ लोगों के कारण गांव में गंदगी का आलम फैलता जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। उन्होंने नगर परिषद व प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है। सन्याड़ी में ये बहुत टाइम से ऐसा है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, हमने पहले भी कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ गंदगी यहाँ नहीं फेंकी जाए। यहाँ एक कमेटी की तरफ से एक गाड़ी लगाई गई है जो हर तीसरे चौथे दिन आके सारा कूड़ा करकट ले जाती है। वो 100 रुपया महीना लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इतने बार बोलने के बावजूद भी ये सारे लोग यहाँ गंदगी यहीं फेंकते हैं। इसकी बात मैंने डीसी साहब से भी की है, एडीसी साहब से भी की है, और नगर परिषद की चेयरमैन सुमन जी हैं उनसे भी मैंने बात की कई बार। इन लोगों को किसी तरह से रोका जाए, कोई तरीका अपनाया जाए, या तो यहाँ कोई कूड़ादान रखा जाए। यहाँ बहुत गंदगी है और गर्मियों का मौसम है, और इतनी गंदगी होने से बीमारी फैलने का बहुत डर रहता है। तो मेरी आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर से और नगर परिषद के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस गंदगी को उठाने का या इसको कोई तरीका ढूंढा जाए ताकि लोगों को गंदगी से और बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षता सुमंत ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिस स्तर पर कूड़ा फेंका जा रहा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जो भी कैमरे में कूड़ा फेंकते हुए नजर आया उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सन्याड़ी गांव के लोगों से स्वच्छता के क्षेत्र में नगर परिषद को सहयोग करने की अपील भी की। उसमें हमने जो सन्याड़ पंचायत के प्रधान हैं उनसे भी बात की थी, वहाँ के जो बसिंदे हैं उनसे प्रधान को कहा गया था कि 50-50 रुपए जो है पर घर से नगर परिषद जो है वो लेगी। शायद प्रधान ने भी कोशिश की है लेकिन फिर भी लोगों को कोई असर नहीं हुआ। लेकिन नगर परिषद ने जहाँ पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ पर हर तीसरे दिन जो है नगर परिषद गाड़ी भेज रही है, उस कूड़े कचरे को उठा रही है। उसके बावजूद जो है अब लोग नहीं मान रहे हैं तो नगर परिषद की ओर से वहाँ पर जो है एक कैमरे का प्रावधान कर दिया गया है ताकि लोग जो है अगर कूड़ा कचरा हमें डोर टू डोर गार्बेज नहीं देंगे तो जो वहाँ पर उस जगह फेंकेंगे तो उनको जो है जुर्माना नगर परिषद जरूर लगाएगी।